मम्मी ने ये मंगवाया है अपनी फ्रेंड से, गढ़वाल से, वो लेके आई हैं भाभी हमारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो एक बार बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। तो आज है डे ट्यूजडे और आज हम जा रहे हैं मंदिर। तो चलिए, आप नुन्नू कहाँ गई? कहाँ जा रहे तुम? और भी तुम कहाँ जा रहे हो? तो देखिए गाइस, हम बैठ गए हैं रिक्शे में और निकल गए हैं मंदिर की ओर। तो हमें जो अपने सोसाइटी के गेट के बाहर से ही जो है रिक्शा मिल जाता है जाने के लिए वहाँ पे। तो रिक्शा हमें इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि जो मेन रोड है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है क्रॉस करने के लिए। और क्योंकि नूर भी थी हमारे साथ और वो इधर उधर भागती है, तो इससे बेटर है कि हम रिक्शे में ही चले जाएँ, और वरना अदरवाइज़ आप पैदल भी जा सकते हो। और ये हमारे जो गुरुद्वारा पड़ता है रास्ते में, मंदिर से पहले ये गुरुद्वारा पड़ता है, तो अदरवाइज़ मैं कह रही थी कि आप पैदल भी जा सकते हो, इतना कोई दूर नहीं है मंदिर। लेकिन धूप भी बहुत थी और नूर भी हमारे साथ थी, तो हमने सोचा कि रिक्शे में ही चलते हैं। 5 मिनट में जो है हम पहुंच गए थे मंदिर। तो देखिए गाइस, ये मंदिर ना बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा। और हम जो है, हम लोग बहुत यहाँ पे आया करते थे। मैं शादी से पहले बहुत इस मंदिर में आती थी, मेरी बहुत मान्यता है यहाँ पे मंदिर की। और मैं जितना हो सके ना उतना इस मंदिर के बारे में सबको बताती हूँ, क्योंकि मतलब मैंने तो आजमाया है गाइस, जो मतलब सच्चे मन से यहाँ पे आप मांगोगे ना, वो ज़रूर 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 पूरा होता है। तो मैं शादी के बाद तो बहुत ही कम हो गया है, मैं नहीं आ पाती। कभी कुछ प्रॉब्लम होती, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर कुछ टाइम, कभी टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं काफ़ी टाइम बाद मंदिर में आ रही थी, और मंदिर में आते ही इतना सुकून मिलता है ना, बहुत ज़्यादा। पर पहले हम जो है पूरा ग्रुप, मतलब हम जो भी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते थे, अब तो काफ़ी सब लोग चले गए, इधर उधर शिफ्ट हो गए, मतलब कोई। तो हम लोग हर ट्यूसडे गए, हर ट्यूसडे, कोई ऐसे ट्यूसडे हम लोग छोड़ते नहीं थे, हम हर ट्यूसडे मंदिर आते थे। इतना बहुत बड़ा, कम से कम 10-12 लोगों का ग्रुप था, सारे फ्रेंड्स, और मतलब सब लोग आते थे, मम्मियों के साथ हम लोग आते थे, नहीं तो हम फ्रेंड्स सारे आ जाते थे, मतलब हम सब बहन भाई आ जाते थे, मतलब एक भी ट्यूसडे हम मिस नहीं करते थे। और बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा। आप सच्चे मन से मांगोगे, सच्चे मन से तो आप घर में भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ तो गए ज़रूर पूरा होता है, लेकिन यहाँ की बात ही कुछ और है, यहाँ की वाइब ही कुछ और है। तो मैं ज़रूर यहाँ पर आती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। मैं शादी के बाद जो है बहुत कम ऐसा होता है कि नहीं मतलब आ पाती हूँ, तो लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर दर्शन के लिए आती हूँ यहाँ पर बालाजी के। और मेरी तो बहुत मान्यता है, बहुत सुनी है मेरी भगवान ने, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरी, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो मेरे मुंह से सिर्फ बालाजी का ही नाम निकलता है। बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं इनको, हम सब घर में बहुत ज़्यादा मानते हैं बालाजी को। तो देखिए, अब बहुत टाइम बाद आई थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और सोचा कि आप लोगों के साथ भी, आप लोगों को भी दर्शन करा दूं। आप तो देखिए, यहाँ पे जो बैठे हैं वो है गुरु माँ, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है। तो गाइस, मंदिर से हम आ गए थे। मंदिर से आने के बाद घर पे हमने थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद जो है इन लोगों का मूड बन गया डांस करने का। तो मासी और भांजी दोनों जो है, देखिए किस तरीके से डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा के, जिस तरीके से टीवी में आ रहा है, और बहुत इनको डांस करना पसंद है। नूरवी को भी बहुत शौक है डांस करने का, तो वो बहुत जल्दी जो है डांस के स्टेप्स कैच कर लेती है। तो ये देखिए किस तरीके से दोनों आपस में डांस कर रहे हैं, और नूरवी और खुशी का बहुत ही एक प्यारा सा बॉन्ड है। एक मासी और भांजी वाला तो है ही नहीं, एक ऐसा है कि फ्रेंड्स वाला।
तो क्योंकि ये जो है इससे बहुत झगड़ा करती है खुशी से, और उसके बाद जो है अपना सारे काम भी खुशी से ही करवाती है। मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं बोलती कुछ भी, और इसी से ही सारा काम करवाती है। तो देखिए कि उस तरीके से इन दोनों की मस्ती आपस में चलती रहती है, और बहुत प्यार करती है खुशी जो है नूरवी को। और उसके बाद ये देखिए गुलीबंद जो है एक भाभी लाए थे गाइस गढ़वाल से, जो मम्मी ने मंगवाया था। तो वो गांव गए हुए थे, तो वहाँ से जो है मम्मी ने अपने लिए ये मंगवाया था। गुलीबंद बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो उसके बाद जो है मम्मी ने इसके साथ साथ जो है ये प्यारी सी गढ़वाली नथ भी मंगवाई थी, जो कि बहुत ही मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो जो है नूर भी यही दिखाने आई थी कि मम्मा देखो जो है नानी कुछ लेके आए हैं, क्योंकि मम्मी ने जो है दो नथ मंगवाई थी गाइज। तो एक अपने लिए मंगवाई थी और एक मेरे लिए मंगवाई थी। और इसका डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है, पिकॉक बना हुआ है इस पर। और ये देखिए एक मम्मी ने अपने लिए मंगवाई थी और एक ही मेरे लिए मंगवाई थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। ये देखिए कितना प्यारा है इसका डिज़ाइन है। और बाहर जो है एक सामने वाले आंटी आए हुए थे नेबर हमारे, उनका ये नथ थी, उनका भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था। उसमें पिकॉक नहीं था, सिंपल सी थी बट बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये देखिए खुशी जो है ट्राई करके देख रही है कि किस तरीके से लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इसने फिर नूरवी पे भी बनाया, नूरवी को तो पूरा फेस ही कवर हो गया इससे। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन तेरी है, शादी के लिए अभी से ना जमा कर देंगे, ठीक है? बहुत ही प्यारा। तो जो भाभी है वो लेके आए, वो नहीं आए थे, मतलब उन्होंने सामने वाली जो आंटी उनको पकड़ा दिया था, क्योंकि भाभी को कुछ काम था तो इसलिए वो नहीं आ पाए थे देने। तो उन्होंने इनको पकड़ा दिया था, क्योंकि घर के सामने ही रहते हैं ये जो आंटी हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके का भी एक और गुली बनता, दो डिज़ाइन थे, एक रेड में और एक ब्लैक में। ये आंटी का था और ये रेड वाला मम्मी का था। तो ये देखिए ये थे आंटी जी जो हमारे घर के जस्ट सामने ही रहते हैं, ये भी गढ़वाली ही हैं। तो मम्मी मतलब वो ही लेके आए थे दिखाने। तो ये देखिए उसके बाद जो है निशु और की तैयारी हो गई थी जाने की, क्योंकि कल जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इन लोगों को निकलना था, तो मैं उसी में पैकिंग करना करवा रही थी इनके बाय लिए, इसलिए गाइस, मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई। कब तो आओगे? जैसे ही लोग निकल रहे हैं यहाँ तो भी एज पॉसिबल। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। एक मिनट खड़े रहो, खड़े रहो। तो जाने की फुल तैयारी हो गई थी इनकी, बहुत ही एक्साइटेड थे सारे के सारे अपनी फ्रेंड की शादी में जो जा रहे थे। तो देखिए फुल मतलब खुश हैं एकदम, ये देखिए डांस भी निकल गया खुशी में। तो लेकिन इनसे एक गड़बड़ हो गई थी गाइज, इनसे भी और हमसे भी, कि जो सारा सामान तो रख लिया जाने का जो भी था, बट जो मेन ज़रूरी चीज़ थी जो कि था खाना, वो ही ले जाना भूल गए। उसका जो बैग रखा का रखा रह गया। मम्मी ने इनके लिए बहुत ही टेस्टी से पुलाव बनाए थे, और जल्दबाजी में जो है ये खा के भी नहीं गए थे, इन्होंने सोचा कि ट्रेन में ही खा लेंगे बैठ के, लेकिन वो भी ये ले जाना भूल गए, ना ही तो खा के गए और ना ही इनको खाने मिला। तो जल्दबाजी के चक्कर में जो है ये लोग भूल गए, क्योंकि लेट हो रहा था इनको, क्योंकि निशु स्कूल से पहले स्कूल गई थी, फिर स्कूल से आई थी, तब ये लोग रेडी होके फिर गए थे। तो उसमें थोड़ा सा टाइम जो है इनका हो गया था ज़्यादा, और इनको जाना था, तो जल्दी 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 के चक्कर में जो है भूल गए। तो उसके बाद जो है हमने खाना वाना शाम को खा लिया था। उसके बाद ये देखिए नानू और नूरवी की जो है मस्ती शुरू हो गई है। और ऑफिस से आने के बाद जो है पापा की कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नूरवी के साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे कितना भी थके हुए हों ऑफिस से आके, बट नूरवी के साथ फुल मस्ती करते हैं। क्योंकि मतलब और ऑफिस में भी रहते रहते भी कितने बार कॉल आ जाते हैं कि नूरवी क्या कर रही है, नूरवी सो के उठ गई है, नहीं उठ गई है, और मतलब पूछते रहते हैं इसके लिए, बारी बारी कॉल करते रहते हैं। और ऑफिस से आने के बाद भी इसके साथ फुल मस्ती करते हैं। ये देखिए किस तरीके से एकदम मस्ती कर रहे हैं, बस छोटे बच्चों की तरह मतलब नूरवी के साथ बन जाते हैं पापा, और बहुत आपस में दोनों मस्ती करते हैं। और तो बस देखिए इनकी मस्ती इसी तरीके से चलती रहेगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।